हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। तो केमिस्ट्री को ऑनलाइन क्लास में अपन कर रहे थे अपना लेसन नंबर 2 यानी विलयन, ठीक है। और उसका जो अपना टॉपिक चला था विलयन की सांद्रता की इकाई, यानी विलयन की सांद्रता की इकाई क्या होती है। टॉपिक था अपना विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करना या व्यक्त करना करना, ठीक है। तो इस विलयन की जो सांद्रता थी कई ऊपर में पढ़ाया था, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत आदि दो टाइप थे अपने। तो उसका एक पहला अपना हो गया था द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। तो नंबर 2 आज हम करेंगे आयतन आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत, ठीक। आयतन इंग्लिश बोलते वॉल्यूम, यानी प्रतिशत वी, प्रतिशत वी अपॉन वी, आयतन आयतन प्रतिशत। सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा, डेफिनेशन क्या होता है। जिस प्रकार कल अपन ने किया था, द्रव्यमान प्रतिशत किसी विलयन के पदार्थ, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में संख्या, किसी विलयन के भार भागों की संख्या जो विलयन के 100 भार भागों में उपस्थित हो, दो मिनट को ऐसी परिभाषा। तो यहाँ पर जो कल अपन ने किया था किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की ग्राम में संख्या, उसके स्थान पर यहाँ पर आयतन ले रखा है। तो आयतन के जगह ग्राम के जगह लेना आपको एम एल, क्या लेना है एम एल। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी विलयन के 100 एम एल में उपस्थित, किसी विलयन के 100 एम एल में उपस्थित विलय की एम एल में संख्या, किसी विलयन के 100 एम एल में उपस्थित विलय की विलय पदार्थ की एम एल में जो संख्या होती है, जो मान होता है, उसका क्या कहलाता है आयतन आयतन प्रतिशत। परिभाषा क्या हो जाएगी अपनी, किसी विलयन के 100 एम एल में उपस्थित विलय पदार्थ, विलय पदार्थ की एम एल में संख्या या मान प्रतिशत बी अपॉन बी, यानी आयतन प्रतिशत कहलाता है। आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आयतन प्रतिशत बराबर आयतन 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 प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ की एम एल में संख्या, विलय पदार्थ की एम एल में मात्रा या संख्या बटे विलयन की एम एल में मात्रा प्रतिशत के लिए गुणा में 100, ठीक है। इस फॉर्मूले से निकल जाएगा, जैसे कल अपन ने लिया था यदि विलय को क्या मान लिया मैंने, वह विलय को क्या मान लिया बी, ठीक है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा वी ए, इसका आयतन क्या हो जाएगा वी बी। तो क्या हो जाएगा प्रतिशत वी अपॉन वी, यानी आयतन आयतन प्रतिशत बराबर विलय पदार्थ के एम एल में वी ए एम एल में, एक क्या आयतन एम एल में बटर विलयन की, तो विलयन को बोलते भी एस ओ एल एस एल इन सोल्यूशन, विलयन का आयतन किस में लेंगे एम एल में, प्रतिशत के लिए गुणा में 100। इस फॉर्मूले से अपने क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है अपना आयतन प्रतिशत, आयतन आयतन प्रतिशत विलय पदार्थ का एम एल में मान गुणा विलयन का
अगर विलियन का दोनों दे रखा है तो ठीक है अलग अलग गुलाब गुलाब को अपन जोड़ देंगे। इस ये था अपना आयतन आयतन प्रतिशत। किसी विलियन के 100 ml में उपस्थित विलयन पदार्थ की ml की संख्या क्या कहलाती है, उसका आयतन प्रतिशत। ठीक है, तो इस पर भी अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। तो कैसे देखिए, जैसे अपन जनरल एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 20 ml एथेनॉल को, 20 ml एथेनॉल को 80 ml जल में घुला है, आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, 20 ml 80 ml दोनों का क्या लिया है, द्रव दोनों का क्या मिलेगा, आयतन। तो अपना फॉर्मूला क्या है, प्रतिशत v, प्रतिशत v अपॉन v यानी आयतन प्रतिशत। v a ml विलयन का कितना दे रखा है 20 बटर विलियन, विलियन का कितना दे इधर देखिए 20 ml एथेनॉल को 80 ml जल में, तो ये क्या है विलयन, ये क्या है विलयन का मात्र दे रखा है और अपने किस में चाहिए विलियन मात्र। तो टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस 80 गुणा में 100 यानी बराबर 20 बटे 100 गुणा में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो कितना आएगा 20 प्रतिशत बी अपॉन बी। इस प्रकार अपन इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे इस पर। ठीक है, यहाँ ध्यान देखना अगर विलयन का दे रखा है टोटल यहाँ तो जोड़ना, मतलब इस प्रकार दे रखा है विलय का दे रखा है तो दोनों को अपने को जोड़ना है। ठीक है, तो ये था अपना आयतन आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 3 पर लेते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक, तो तीसरा मात्र है अपना द्रव्यमान आयतन प्रतिशत यानी प्रतिशत द्रव्यमान को W से, W आयतन को V से, प्रतिशत W अपॉन V क्या है, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है प्रतिशत W अपॉन V क्या है, द्रव्यमान आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या है। अब देखिए, अभी अपन क्या था आयतन आयतन, एक विलय का भी क्या लिया आयतन, विलय का क्या लिया आयतन यानी 100 ml में विलय की ml में, यहां पर एक का क्या लिया द्रव्यमान वेट यानी भार, दूसरे क्या लिया हमने आयतन। तो परिभाषा क्या बन जाएगी इसमें, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय पदार्थ की, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलय पदार्थ की ग्राम मात्रा क्या कहलाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। विलयन कैसा है ml, पदार्थ विलय कैसा है ग्राम में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का आयतन किस में लेंगे ml में गुणा में 100, गुणा में 100। इसी प्रकार यदि अपन ले लिया विलय a, विलय क्या ले लिया b, तो ठीक कुछ क्या रहेगा विलयन का, तो द्रव्यमान w अपॉन v बराबर विलय पदार्थ की ग्राम मात्रा यानी w a
अपॉन विलयन का आयतन, बी सॉल्यूशन किसमें एमएल में प्रतिशत के लिए गुणा में 100। इस प्रकार के फॉर्मूले से न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो ये तो था अपना आयतन आयतन प्रतिशत और नंबर 3 द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है, इस पर अपन करेंगे न्यूमेरिकल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।